So, in the name of all might well, today we have to discuss about contraindications, precautions, secondary effects, toxic effects, and drug interaction. So, first of all, contraindications and precautions. So, the conditions under which the drug should not be used or must be used carefully with monitoring. So, contraindication and precaution ka bunyadi concept yehi hai ke kuch drugs is tarah hai ke kisi khas disease mein, kisi khas patient mein, hum usko bahut us person mein ya us patient mein हम बहुत एहतियात के साथ सोच समझ के साथ इस्तेमाल करेंगे. कंट्राइंडिकेशन का बुनियादी मतलब यही है कि कुछ मेडिसिन इस तरह है कि हम उसको किसी खास डिजीज़ कंडीशन में या प्रेगनेंसी कंडीशन में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे. कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ एनाल्जेसिक्स हैं जो कि हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं क्योंकि इससे टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट्स कास होते हैं, इससे फीटस डेवलपमेंट में मसले आते हैं. तो इसी वजह से आप लोगों को ये जानना लाजिमी है कि जितने भी मेडिसिन है तो तमाम का सेफ प्रोफाइल नहीं है. कुछ मेडिसिन इस तरह है कि हम प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन मोस्टली मेडिसिन इस तरह है कि हम उसको प्रेगनेंसी में या किसी बंदे को नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, किडनी के मसले मसाइल है, किसी को अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी के मसले है, प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, तो आपने ये देखना होगा कि किस कंडीशन में हम मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे और किस कंडीशन में हम उस मेडिसिन को अवॉइड. एंड प्रिकॉशन मीन अगर हम उस मेडिसिन को फिर भी उसकी नीड हो, उसका अल्टरनेट कोई और मेडिसिन मौजूद ना हो और अगर हम उसे इस्तेमाल करते हो तो बहुत एहतियात के साथ आपको उसकी डोज एडजस्टमेंट करना होगी, उसकी डोज को कम करना होगी या बहुत एहतियात के साथ उसे इस्तेमाल करना होगी. सो द कंडीशन अंडर विच द ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड, बेसिकली कंट्राइंडिकेशन जिस भी मेडिसिन पे लिखा गया हो कि कंट्राइंडिकेशन इन अ डिजीज कंडीशन, तो आप लोगों ने उस मेडिसिन को फिर अवॉइड करना होगा. आर मस्ट बी यूज केयरफुली विद मॉनिटरिंग. सो फर्स्ट लाइन मेनली फोकस ऑन कंट्राइंडिकेशन वाइल द सेकेंड लाइन फोकस ऑन प्रिकॉशन. अगर आपने फिर भी उस मेडिसिन को यूज़ करना है सो बी यूज केयरफुली विद मॉनिटरिंग. सो दिस ऑल अबाउट कंट्राइंडिकेशंस एंड प्रिकॉशन. किसी भी मेडिसिन के यूज़ के साथ साथ आपने ये भी देखना होगा कि इस मेडिसिन के कंट्राइंडिकेशन किया है और प्रिकॉशंस किया है. अगर किसी बंदे को पेप्टिक अल्सर है और आप फिर भी उसे एस्पिरिन देते हैं तो उससे उसकी पेप्टिक अल्सर की और पेप्टिक अल्सर के मसाइल और भी ज़्यादा होंगे. इसी तरह कुछ एंटीबायोटिक्स है कि अगर बंदे को ऑलरेडी किडनी के मसाइल है और आप फिर भी एमाइनोग्लाइकोसाइड या स्ट्रिप्टोमाइसिन एट्सेट्रा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उससे नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी डैमेज और भी ज़्यादा होगी. तो इसी वजह से हर मेडिसिन का प्रोफाइल आपने चेक करना होगा कि आया ये सेफ है या अनसेफ. नेक्स्ट इज़ ड्रग इंटरेक्शंस. ड्रग इंटरेक्शन का मतलब यही है कि कुछ मेडिसिन इस तरह है अगर हम उसे एक साथ ले बॉडी में तो
उस खास मेडिकेशन की, उस खास ड्रग्स की आपस के साथ इंटरेक्शन होती है और उससे या तो बॉडी पे इंक्रीज इफ़ेक्ट आएगा जो हमें नहीं चाहिए, या उसके नतीजे में डिक्रीज इफ़ेक्ट आएगा जो फिर भी हमें नहीं चाहिए। तो इसी वजह से आपने मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स के क्लासेस के दरमियान ये देखना होगा कि दो मेडिसिन है या दो से ज़्यादा मेडिसिन है, अगर हम उसको एक साथ यूज़ करते हैं तो उससे क्या मसले बन जाते हैं। इसी तरह ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हम उसे कहते हैं, कुछ इस तरह है कि ड्रग फूड इंटरेक्शन। ड्रग फूड इंटरेक्शन का मतलब यही है कि कुछ मेडिसिन को आपने फूड के साथ यूज़ करना है और कुछ मेडिसिन को आपने फूड से एवॉइड करना है। इसका एक एग्जांपल है, एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन्स। आप अगली क्लासेस में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक क्लासेस के मुतालिक जानेंगे, लेकिन यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन अगर हम उसे मिल्क के साथ इस्तेमाल करें तो वो बॉडी में जीआईटी में एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो जब वो कॉम्प्लेक्स बनाती है तो उस ड्रग ना वो तो एब्जॉर्ब होगा ना वो इसकी मेटाबॉलिज्म होगी और वो बॉडी से एज सच एलिमिनेट होगा। इसी तरह कुछ और मेडिसिन है जैसा कि राइजिक साशे या राइजिक कैप्सूल जो कि स्टमक के मसाइल में इस्तेमाल होता है, तो आपने उसे यूज़ करना है बिफोर मील। आपने ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, राबीप्राजोल, पेंटाप्राजोल या जितने भी जोल के मेडिसिन में आते हैं, कुछ मेडिसिन इस तरह है जैसा कि एंटीफंगल, उस क्लासेस में भी जोल एंड पे आता है, लेकिन यहाँ पे बात है स्टमक मेडिकेशन की, ड्रग्स की। तो आपने ओमेप्राजोल को यूज़ करना है बिफोर मील, एटलीस्ट वन आवर बिफोर मील, क्योंकि अगर हम उसको आफ्टर मील यूज़ करें तो उस कैप्सूल की, उस ड्रग की फूड के साथ इंटरेक्शन आती है और जब इंटरेक्शन आती है तो उस ड्रग को ना एब्जॉर्प्शन, ना उस ड्रग की पर एब्जॉर्प्शन होती है और ना वो एज सच सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होता है और उसकी काफ़ी हद तक जो डोज होता है वो कम होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में ऑलरेडी फूड मौजूद होता है। तो इसी वजह से आपने ओमेप्राजोल को लेना है एम्प्टी स्टमक। कई थाउजेंड्स के अदर ड्रग्स है जो कि फूड के साथ उसका इंटरेक्शन है, तो आपने टाइम को भी देखना होगा कि किस मेडिसिन को किस टाइम पे यूज़ करना है। तो कुछ मेडिसिन को हम बिफोर मील इस्तेमाल करते हैं और कुछ को आफ्टर मील। सो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है ड्रग इंटरेक्शन, बट आपको देखना होगा कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या चीज़ है और ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या चीज़ है। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रग इंटरेक्शंस। द इफेक्ट्स डेट में अकर व्हेन द ड्रग इज़ गिवन अलोंग विद अनदर ड्रग। बुनियादी तौर पे एक टाइम पे सिक्स मेडिसिन से ज़्यादा मेडिकेशन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसे हम कहते हैं पॉलीपारमेसी। पॉलीपारमेसी का मतलब यही है कि आपने एक टाइम पे कोशिश करें कि पांच छह मेडिकेशन से ज़्यादा मेडिसिन को इस्तेमाल न करें। कुछ पोजीशन इस तरह है कि एक टाइम पे इवन टेन तक या इससे भी ज़्यादा मेडिसिन किसी पेशेंट को लिखते हैं। तो अगर एक पेशेंट एक टाइम पे 10 या 10 से ज़्यादा मेडिसिन एक साथ लें तो स्टमक में, इंटेस्टाइन में उन तमाम मेडिसिन्स की आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है जिस मकसद के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं, तो मकसद बेसिकली अचीव नहीं होता। तो इसी वजह से मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, तो इसमें वन ऑफ द कॉमन इज़ मेडस्केप। तो आपने उस सॉफ्टवेयर पे एंटर करना होगा दो मेडिसिन को या
اس سے زیادہ میڈیسن کو، اور آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس مختلف قسم کے ڈرگز کے درمیان کوئی انٹریکشن ہے یا نہیں. اگر انٹریکشن پایا جاتا ہو اور انٹریکشن سیریس ہو تو پھر آپ نے اس تھراپی کو ڈسکنٹینیو کرنا ہے یا اس کو الٹرنیٹ میڈیسن میں چینج کرنا ہے. اس میڈیسن میں جو کہ کافی حد تک سیف ہو اور آپس میں ڈرگز کی انٹریکشن بالکل نہ ہو یا اگر ہو بھی تو بہت کم ہو. تو بیسیکلی ڈرگ انٹریکشن کنسیپٹ از وین ڈرگز آر گیون ٹوگیدر سو دے افیکٹ ایچ ادر اینڈ دس فینامینا از کالڈ ڈرگ انٹریکشنز. نیکسٹ از سیکنڈری افیکٹس اینڈ آر ایک سیکوینس آف پرائمری ایکشن آف ڈرگ. سو دیر آر ٹو پینامینا. فسٹ آف آل پرائمری پینامینا آلسو کالڈ تھراپیوٹک افیکٹ. ایگزامپل اسپرین از یوزڈ ایز انلجیسک. اینڈ سیکنڈری پینامینا اسپرین آلسو کازڈ پیپٹک السر. Another example, tetracycline decrease bacterial flora which cause super infection. Secondary effect or primary effect کا مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی میڈیسن ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ڈیورنگ دا ٹائم آف ڈسکوری اور وی کین سے ایٹ دا اسٹارٹ آف ڈسکوری دے ہیو ون یوز اینڈ دیٹ از پرومیننٹ یوز. تو جتنے بھی انسیٹ ہے انلجیسک ہے تو اس کا بنیادی فنکشن ہے پین ریلیونگ پین کلر. یہ بیسیکلی پین کو اینڈ کرتا ہے. سو ڈسپرین جو ٹیبلٹ ہے اسپرین بیسیکلی جینرک ہے تو اس کا بنیادی یوز ہے انلجیسک پین کلر. بٹ سیکنڈری پینامینا کا مطلب یہی ہے کہ اس کا نقصان یہی ہے. ایک ساتھ میں اس کا فنکشن ہے اچھا ہے انرجیسک ایکٹیویٹی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آلسو کاز پیپٹک السر گیسٹرک السر. یہ اسٹمک میں السر کاز کرتا ہے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے. اینڈ دس از بیسیکلی اے سیکنڈری پینامینا. اسی طرح ٹیٹراسائکلین ایک اینٹی بایوٹک ہے جو کہ مختلف قسم کے انفیکشنز میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ٹیٹراسائکلین ڈاکسی سائیکلین مینو سائیکلین. ڈاکسی سائیکلین کو ہم نارملی یوز کرتے ہیں تھراٹ انفیکشنز میں یا ادر باڈی انفیکشنز میں. تو اس کا فائدہ تو یہی ہے کہ یہ انفیکشن میں استعمال ہوتا ہے جبکہ اس کا نقصان یہی ہے کہ جی آئی ٹی میں گٹ میں اسمال انٹسٹائن میں مختلف قسم کے نارمل فلورا بیسیکلی اسمال مائکروسکوپک آرگینزم جیسا کہ بیکٹیریاز. سو بیکٹیریا بیسیکلی انٹسٹائن میں موجود ہوتے ہیں جو کہ بینیفیشیل ہے. بیکٹیریا کو ہم ٹو کلاسز میں کلاسیفائی کرتے ہیں. ون از بینیفیشیل اینڈ ادر از ہارمفل. جتنے بھی ہارمفل بیکٹیریا ہے وہ سب کے سب مسائل پیدا کرتے ہیں جیسا کہ ٹی بی کی اگزامپل ہم لے لیں یا ادر کاپی انفیکشیس ڈیزیزز ہے جو کہ ہارمفل بیکٹیریا سے ہارمفل فلورا سے کاز ہوتے ہیں. جبکہ نارمل فلورا جو کہ جی آئی ٹی میں گٹ میں موجود ہوتا ہے اور اس کا کام یہی ہے کہ وہ وائٹمن ابزارپشن میں یا باڈی میں مختلف قسم کے فنکشن ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بینیفیشیل فلورا ہے فائدہ مند بیکٹیریا ہے. تو ٹیٹراسائکلین کا نقصان یہی ہے کہ جتنے بھی نارمل فلورا ہے گٹ میں تو وہ ڈسٹرائی ہوتا ہے اور باڈی میں سوپر انفیکشن کے چانسز انکریز ہوتے ہیں. تو سیکنڈری ایفیکٹ جو ہے یہ ہمیں نارملی نہیں چاہیے. ہمارا جو کنسرن ہے جو کام ہے وہ صرف اور صرف ہے پرائمری ایفیکٹس کے ساتھ. سو دس ہول پینامینا از کالڈ سیکنڈری ایفیکٹس. نیکسٹ از
टॉक्सिक इफेक्ट्स. टॉक्सिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन टॉक्सिकोलॉजी व्हाट इज टॉक्सिक टॉक्सिकेंट एंड टॉक्सिकोलॉजी. सो टॉक्सिक इफेक्ट्स का मतलब यही है एग्जाजरेटेड फॉर्म ऑफ साइड इफेक्ट्स ड्यू टू ओवर डोजेज प्रोलॉन्ग्ड यूज. एग्जाम्पल हाई डोज ऑफ हेपरिन दे आर लीडिंग टू ब्लीडिंग. एंड अदर एग्जाम्पल प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉज नेप्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी. एग्जाजरेशन का मतलब यही है कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जाजरेट करें उसे बहुत ज़्यादा हाइपर बनाएं तो इस फॉर्म को हम कहते हैं एग्जाजरेटेड. तो साइड इफ़ेक्ट जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया कि ये माइनर होते हैं माइल्ड होते हैं सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं और ये मेन ट्रीटमेंट में मेन थेरापी में हाइंडर नहीं होते. तो जब साइड इफ़ेक्ट बहुत एग्जाजरेटेड फॉर्म में चले जाते हैं जब साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज फॉर्म में चला जाता है तो इससे मसला पैदा होता है जिसे हम कहते हैं टॉक्सिक इफ़ेक्ट. ये किस वजह से होता है ये बुनियादी तौर पे प्रोलॉन्ग यूज़ से. प्रोलॉन्ग यूज़ का मतलब यही है अगर कोई भी मेडिसिन को हम फॉर द लॉन्ग टाइम बहुत काफ़ी टाइम के लिए बहुत अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उससे काफ़ी मसले बन जाते हैं. जैसा कि हाई डोज ऑफ हेपरिन. हेपरिन एक मेडिसिन है जो कि एंटी क्लॉटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है. तो अगर उसकी डोज इंक्रीज हो जाए या अगर हम उसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करें तो इससे ब्लीडिंग की चांसेस इंक्रीज होती है. ब्लीडिंग का मतलब है खून का बहना ब्लड वेसल से आर्टरी वेन एंड स्पेसिफिकली स्मॉल कैपिलरीज से और स्मॉल ब्लड वेसल से. तो नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है. अगर कोई भी पेशेंट कोई भी इंडिविजुअल इसका प्रोलॉन्ग यूज़ करता हो अगर कोई बंदा काफ़ी अरसे से स्ट्रेप्टोमाइसिन की डोज इस्तेमाल करता हो तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से उस इंडिविजुअल में और काफ़ी मसले बन जाते हैं. लेकिन उसमें जो कॉमन मसले पाए जाते हैं वन ऑफ दिम इज़ नेप्रोटॉक्सिसिटी. नेप्रोटॉक्सिसिटी के स्पेलिंग में यहाँ पे मिस्टेक है. नेप्रोटॉक्सिसिटी का मतलब यही है कि उसके किडनी में टॉक्सिसिटी बन जाती है उसके किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. इसके साथ साथ ऑटो टॉक्सिसिटी. ऑटो मीन एयर. ऑटो मीन एयर. ऑटो टॉक्सिसिटी बंदे की कानों में मसले बन जाते हैं एयर मेम्ब्रेन इफ़ेक्ट होता है जिसे हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं. इसके साथ साथ एयर में और काफ़ी मसले बन जाते हैं. तो बेसिकली इट इज़ ड्यू टू प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन. सो किसी भी डोज की हम जब प्रोलॉन्ग यूज़ करें या उसकी अनसेफ यूज़ करें तो दे देन डेफिनेटली लीड टू टॉक्सिसिटी एंड द इफेक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाई वी कॉल इट टॉक्सिक इफेक्ट्स. सो थैंक यू for your attention. If you feel any problem, so you can freely ask. Thank you.